स्वागत छे। आज आप देश वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ना राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय आलोक शर्मा जी अपनी साथ उपस्थित छे, साथ गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ना उपप्रमुख श्री डॉक्टर जीतूभाई पटेल अपनी साथ उपलब्ध छे, अने साथ डॉक्टर अमित नायक प्रवक्ता पण उपस्थित छे। तो हूँ डॉक्टर माननीय आलोक शर्मा जी ने कही के तेओ आदनी अपने इस वार्ता से संबोधित करें। धन्यवाद हिमांग जी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि एक बहुत ही हृदय विदारक घटना गुजरात में पिछले दिनों घटी, जिसमें 200 से ज्यादा मृतकों के बारे में बताया जा रहा है। बड़ा दुखद है कि कुछ विषयों को लेकर आज हम जिन विषयों को लेकर आपके सामने आए हैं, ये सरकार पूरी तरह से आज भी अभी भी गुजरात की जनता को और देश की जनता को भ्रमित करने के काम में लगी हुई है। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो एसआईटी बनाई गई उसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाई दिया। आज भी सब कुछ छुपा दो, इस घटना के बारे में जितनी जानकारी है उनको छुपा लो, जनता तक मत जाने दो। एसआईटी बनी, किसने बनाई, किसके आदेश से बनी, कौन कौन मेंबर्स हैं, वो भी ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार बताना चाहती है। बड़ा ही दुखद है। आज कांग्रेस पार्टी की दो तीन डिमांड, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एसआईटी के सदस्यों के बारे में थोड़ा सा मीडिया के साथियों को अवगत करा देना चाहता हूं। एक कोई संदीप वसावा जी हैं, आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं आरएनबी। दूसरे बेनीवाल जी हैं, ये भी आईएएस हैं, कमिश्नर हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तीसरे त्रिवेदी साहब हैं, सुभाष त्रिवेदी जी, ये पुलिस के अधिकारी हैं, आईजीपी सीआईडी। और ऑफिशियल लेटर किसी ने नहीं देखा अभी तक, ये सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से पता चल रहे हैं, छन छन के खबरें आ रही है। के एम पटेल साहब हैं, चीफ इंजीनियर हैं ये क्वालिटी कंट्रोल के आरएनबी के। गोपाल टाक साहब हैं, ये एचओडी हैं एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। ये पांच लोग हैं, पांचों ही सरकारी मुलाजिम, पांचों ही सरकारी कर्मचारी हैं और पांचों ही सरकार के अधीन काम करते हैं, जो सरकार स्वयं अपने कटघरे में खड़ी। ये मुख्यमंत्री के मुलाजिम हैं जो फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे अगर मुख्यमंत्री का फोन चला जाएगा। दुर्भाग्य है कि जो लोग मुख्यमंत्री के एक फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, वो अधिकारी 200 से ज्यादा जाने चली गई उस इंसिडेंस की, उस घटना की जांच करने के लिए अपॉइंट किए गए। कब हुए, किसके आदेश से अपॉइंट हुए, एसआईटी किसने बनाई, सब कुछ अंधेरे में। सबसे पहली डिमांड हमारी कि लीपापोती इस जांच की बंद होनी चाहिए। यह एसआईटी जो कि केवल और केवल अधिकारियों की है, जो स्वयं उनके भाई बंधु कटघरे में जांच के, यह एसआईटी कांग्रेस पार्टी आज डिमांड करती है कि तुरंत स्क्रैप की जानी चाहिए, इस एसआईटी को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। यह एसआईटी लीपापोती से ज्यादा कुछ भी नहीं, ये एसआईटी केवल दिखावा है। ये एसआईटी मुख्य कल्प्रिट्स को बचाने का एक रास्ता है। कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमदाबाद से निवेदन करती है कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस एसआईटी को तुरंत स्क्रैप किया जाए और एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई जाए, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उनके तत्वाधान में, उनकी मॉनिटरिंग में ये एसआईटी काम करे। हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन मोदी साहब गए थे वहां पर। कल मोदी साहब समझाने गए थे कि किस तरह से कैसे बचाया जाए। मोदी साहब ने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए, इसका खुलासा होना चाहिए। ये लीपापोती का काम तुरंत बंद होना चाहिए, पहली डिमांड।
दूसरा हम सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि जो मृतक थे उन मृतकों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, इतनी बड़ी घटना घटी, किसकी मृत्यु कैसे हुई। जब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय विसरा रिपोर्ट मांगेगा, विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व की गई कि नहीं की गई। सरकार केवल कल्प्रिट्स को बचाने के लिए पूरी षड्यंत्र के तहत ये सरकार काम कर रही। आज कंपनी के एक मैनेजर ने कोर्ट में कहा कि गॉड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसा मंजूर था इसलिए ऐसा हुआ। आप सोच सकते हैं कि कितने असंवेदनशील व्यक्ति इस काम में इन्वॉल्व थे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसी मर्जी थी, मंजूरी थी। यह आज कोर्ट में कहा गया है वहां कंपनी के एक मैनेजर के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और फ्रॉड को रोकने के लिए, बचाने के लिए ये सारी की सारी कवायद की जा रही। हमारा तीसरा जो हमारी डिमांड है वो ये है कि पिछले एक साल में गुजरात की भ्रष्ट सरकार ने जितने मुहूर्त किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, उनका सेफ्टी ऑडिट हो, सुरक्षा के लिहाज से उसका ऑडिट हो और उनका फाइनेंशियल ऑडिट भी हो। आनन फानन में ऑडिट करने के चक्कर में कौन कौन सी कंपनियों को कितना पैसा दिया गया पिछले एक साल में, उनका फाइनेंशियल ऑडिट हो और साथ के साथ सेफ्टी चेक का ऑडिट हो। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनका सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है, हम गुजरात सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को तुरंत बंद किया जाए जिनमें सेफ्टी सर्टिफिकेट्स और फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनको तुरंत बंद किया जाए। एक बहुत अजीबोगरीब घटना वहां पर हुई है कि जहां पर डेड बॉडीज की पूरी कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, वहां पर एक पिता गए, वो अपने दो बच्चों को, अपने दो लड़कों को ढूंढ रहे थे और उनके दोनों बच्चे जिनकी उम्र 18 और 20 साल थी, हैविली इंजर्ड थे वो दोनों बच्चे, उनकी सांसें चल रही थी और वो डेड बॉडीज के बीच में पाए गए। पिता का नाम है गुलशन राठौर। हम बच्चों का नाम जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं कि दोनों बच्चे जल्द स्वस्थ होकर अपने मां बाप के पास वापस पहुंचे। पूरी की पूरी सरकार इस काम में लगी रही कि मोदी जी का दौरा है, किस तरह से ओरोवा कंपनी को बचाया जाए, किस तरह से वहां पर कूलर लगाए जाए, किस तरह पर वहां पर गद्दे बदले जाए, चद्दर बदली जाए। और जिस हॉस्पिटल में चार दिन पहले कुत्ते घूम रहे थे गलियों के अंदर, उस हॉस्पिटल को चमकाकर रखा जाए। इस सरकार ने इतने निकम्मेपन के काम किए हैं कि जो बच्चे जिंदा थे, जो व्यक्ति, उनको भी डेड बॉडीज में डाल दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की पहली डिमांड एसआईटी स्क्रैप हो, रिटायर्ड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज के माध्यम से एसआईटी बने, क्योंकि ये सारे के सारे एसआईटी के मेंबर्स वो हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, इनसे न्याय नहीं मिल सकता है। दूसरी डिमांड, जो एसआईटी बने वो एसआईटी केवल क्रिमिनल चीजों को नहीं तय करे, वो तो पहला मूल काम हो ही, कंपेंसेशन कितना मिले, किस परिवार में किस तरह की हालत रही। ये 2 लाख रुपए देकर मोदी साहब चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, 2 लाख रुपए जिंदगी की कीमत आप लोगों ने लगा दी। ये एसआईटी ये भी तय करे कि कंपेंसेशन का अमाउंट कितना हो। और इसी कड़ी में हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट गुजरात अहमदाबाद को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, माननीय जगदीश ठाकुर जी की तरफ से चिट्ठी लिखी है 2 पेज की। इसमें हमने ये तमाम डिमांड की है कि
ये एसआईटी तुरंत स्क्रैप हो, नई एसआईटी बने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके हेड हो और इसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग हों। ये सरकारी कर्मचारी नहीं जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये चिट्ठी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मिलेगी, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी और हमारा निवेदन है कि आप इस चिट्ठी को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार अभी भी पूरी तरह से मुख्य जो आरोपी हैं जिसमें सरकार स्वयं कटघरे में है उनको बचाना चाहती है। ना ऑर्डर की कॉपी है एसआईटी की, एसआईटी फर्जी है, ये पूरी तरह से फर्जी एसआईटी है। ये कोई टेक्नोलॉजी का मैटर नहीं था, ये कोई ब्रिज के आर्किटेक्चर का मैटर नहीं, दिस इज कंप्लीटली एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, आईएसआईपीएस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा मेरे साथी गुजराती में इन तमाम चीजों को आपको बता। आलम शर्मा जी, हेमंत भाई, डॉक्टर अमित भाई, पत्रकार मित्र, आलम जी ने खुद सारी रीते आखी बात में वर्णन करू के 7 एप्रिल 2016 दिवसे आपनु ज कलकत्ता नु भाषण जो हतु तेना मुजब आ एक्ट ऑफ फ्रॉड छे। अने एक्ट ऑफ फ्रॉड होय त्यारे जे प्रकारे लिफाफती थई छे, आ घटना केटली गंभीर अने केटली हृदयद्रावक छे। कळसता अवाजोने कारजे कोतरनारा जोईए, आंसूनी लिपि जाणनारा जोईए, कया शास्त्रोनी अंदर लख्युं छे के आवी घटना बनीने त्रण त्रण वखत आपणे कपड़ा बदली अने जाहेर कार्यक्रमो करी अने आजे बीजी तारीखे एक दिखावा पूरतो शोक जाहेर करीए। कया शास्त्रोमां लख्युं छे के घरमां मातम होय અને ઘરને કલર કામ ચાલુ હોય, આ કયા હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે? મૃતદેહ પર લિપસ્ટિક ક્યારે ન લગાવાય, જે છે તથ્યોનો સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ। અને એટલા માટે આ મચ્છુની ઘટના પહેલા અનેક ઘટનાઓ બની છે, તક્ષશિલાથી શરૂ કરી અનેક પ્રકારના ઓવરબ્રિજના કામ હોય, અને અમે એ પણ માગણી કરીએ છીએ કે જેટલા કામ અને નર્મદાની કેનાલો જયારે તૂટી ગઈ હોય ત્યારે એમ કહેવાય છે કે ઉંદરો કાતરી ગયા। અમારે એટલું જ કહેવું છે કે ઉંદરો પકડવાના પાંજરા કમલમમાં મૂકી દો, એક પણ કેનાલ તૂટશે નહીં। ભગવાનનો પાડ માનો, ઈશ્વરનો હું બે હાથ જોડીને પાડ માનું છું કે જેટલા ગુજરાતની અંદર 203 જેટલા મધ્યમ, 17 મોટા અને 1 સૌથી મોટો નર્મદા ડેમ જેનું કામ 95 મીટર સુધી કોંગ્રેસની સરકારે કરેલું, અગર આ સરકારે કર્યું હોત તો કદાચ હિન્દુસ્તાનના નકશા ઉપરથી ગુજરાત મોટી ગયું હોત। કેવળ ભ્રષ્ટાચારનો અડ્ડો જયારે બન્યો હોય ત્યારે આપણે સૌએ અને પત્રકાર મિત્રોએ અભિનંદન સારા મીડિયાને આપું છું કે એક એક દિવસની એક એક મિનિટની ઘટનાઓને પ્રજા સમક્ષ મૂકી છે। અને ત્યારે આલોકજીએ જે માગણી કરી છે કે એસઆઈટીની જ્યારે પણ કોઈ રચના થતી હોય તે સરકારના પરિપત્ર મુજબ એણે કઈ કઈ રીતે એમાં વર્તવાનું છે, કઈ કઈ તપાસ કરવાની છે એની ડિટેલ સાથે હંમેશા હોય, પરંતુ કેવળ આંખોમાં ધૂળ નાખવાને માટે કાગળ ઉપરની પણ ટ્વિટર દ્વારા એસઆઈટી બનાવી અને આ મૃતકો સાથે જે ખેલ ખેલવામાં આવ્યો છે એ કોંગ્રેસ પાર્ટી એનો સખત વિરોધ કરે છે। જેના પરિવારમાં એક 2 વર્ષનું નાનું બાળક તમે એને એ મૃતદેહને આવતું જુઓ, મને હું એનો મારે પણ પૌત્ર છે, મને ખબર પડે કે એ બાળકની
माता ना आंसू पर सुकाई गया शे, परिवार ने ऊपर शुभ वेदना थती है शे। आ वेदना समझवानी संवेदनशीलता सरकारे संपूर्णपणे गुमावी छे। एटले ज अमे कहीए छे के प्रतिपक्ष तरीके जे कई खोटू थतु छे एने मुचकेती करवानी प्रजाए अमने जवाबदारी सौंपी छे। अने एटला माटे जब हवा का काम है बलना, दिया का काम है जलना, हमारा काम है लड़ना, प्रजाना प्रश्नों माटे में लड़ता रहीशु। अने आपे पण जोयुं छे के केवी घटनाओ बनी छे, सवारे स्कूल बनावामां आवे अने सांजे स्कूल गुम थई जाय। आ प्रकारनो खोखलो विकास दुनिया ने बतावी अने एक पछी एक ए तक्षशिलाथी शुरू करी, काकरियानी घटनाथी शुरू करी, बोटादनी घटनाथी शुरू करी, अनेक घटनाओ ज्यारे परंपरागत रीते चालती होय त्यारे आलोकजीए जे प्रमाणे कीधुं ए प्रमाणे कांग्रेस पक्ष संपूर्णपणे न्यायिक मांगणी माटे आदरणीय नामदार कोर्ट ने बे हाथ जोड़ीने विनंती करे छे के आ घटनानी अंदर अत्यारे महिला आयोग मौन छे, बाळ आयोग मौन छे, ह्यूमन राइट कमीशन मौन छे, क्या गया बधा? कई ऊंघनी गोळीओ खाईने तमे सूई गया छो? जारे आ मौन जारे पाड्यो हो त्यारे एक आश्रो आ देश में आ देशना न्यायतंत्र पर छे। कांग्रेस पक्ष आ प्रजावती न्यायतंत्र ने बे हाथ जोड़ीने विनंती करे छे के तलस्पर्शी अभ्यास कराओ। आ तो एवं थयुं छे के जे रीते रिपोर्ट आवी रह्या छे के जेने मरामतनुं काम सौंपी दीधुं, जेम कम्पाउंडर ये ऑपरेशन करे, कोई वानर हवाई जहाज चलावे अने अड़गट माणस वहीवट करे एवी घटना जारे बनी होय त्यारे मान्य नामदार कोर्ट आने संज्ञानमां लई अने पोतानी कमिटी द्वारा गुजरातनी प्रजाने न्याय अपावे एवी अमारी विनंती छे। कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं। थैंक यू।